राजस्थान के निजी और सरकारी दफ्तर अब पहले से ज्यादा इको फ्रेंडली होंगे। दिल्ली के बाद अब राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादकों पर प्रतिबंध को अमल में लाने के लिए अभियान चला जाएगा। साथ ही इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी विनिर्माताओं, आपूर्तिकारकों, वितरकों और विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। वन और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए 1 जुलाई से राजस्थान सरकार के सरकारी और निजी दफ्तरों में प्लास्टिक के गुलदस्ते, फूल ट्रे, पानी की प्लास्टिक बोतल सहित अन्य सामानों के उपयोग को बैन कर दिया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1 जुलाई से केंद्रीय पर्यावरण विभाग के निर्देशकों के तहत शामिल 19 प्लास्टिक से बने उत्पादकों को कार्यालय में रखने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादकों की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े पक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन नहीं करें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के अनुसार पॉलीट्राइजिन सहित विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर रोक लगी। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक लपेटने या पैकिंग फिल्म, सिगरेट के पैकेट को लपेटने या पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक पीवीसी बैनर आदि को प्रतिबंधित किया गया है। जिन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है उसमें प्लास्टिक कैटेगरी बैग, थर्माकोल से बने सामान, डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, प्लेट, चम्मच जैसी चीज़ें शामिल है। सरकार की ओर से कहा गया कि जो भी इन आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदेश में कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत विनिर्माताओं, ब्रांड मालिकों, आपूर्तिकारकों और स्टॉकिंग का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह माने जाने वाले SUP से बने उत्पादकों पर पाबंदी को सख्ती से लागू करेगी। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पुराने स्टॉक को नष्ट करके और सरकारी और निजी ऑफिस में सिंगल प्लास्टिक के सामानों को 30 जून तक हटाने को कहा।